नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। प्रचलित मान्यताएं और उनके वैज्ञानिक तर्क। हिंदू धर्म में कई ऐसे नियम हैं जिन्हें केवल मान्यता मानकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन इन मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार भी है। चलिए आज जानते हैं ऐसी ही कुछ प्रचलित मान्यताएं और उनके पीछे छिपे वैज्ञानिक तर्कों को। हिंदुओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है। वैज्ञानिक तर्क। पानी के बीच में से आने वाली सूर्य की किरणें जब आंखों में पहुंचती हैं, तब हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक तर्क। तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और उससे बीमारियां दूर होंगी। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं। वैज्ञानिक तर्क। इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। महिलाएं एवं पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं। वैज्ञानिक तर्क। आंखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है। दीपक के ऊपर हाथ घुमाने का वैज्ञानिक कारण। दीपक के ऊपर हाथ घुमाना। आरती के बाद सभी लोग दिए पर या कपूर के ऊपर हाथ रखते हैं और उसके बाद सिर से लगाते हैं और आंखों पर स्पर्श करते हैं। ऐसा करने से हल्के गर्म हाथों से दृष्टि इंद्रिय सक्रिय हो जाती है और बेहतर महसूस होता है। मंदिर में घंटा लगाने का कारण। जब भी मंदिर में प्रवेश किया जाता है तो दरवाजे पर घंटा टंगा होता है जिसे बजाना होता है। मुख्य मंदिर में जहां भगवान की मूर्ति है, वहां भी प्रवेश करते समय घंटा या घंटी बजानी होती है। इसके पीछे कारण ये है कि इसे बजाने से निकलने वाली आवाज से 7 सेकंड तक गूंज बनी रहती है, जो शरीर के 7 हीलिंग सेंटर्स को सक्रिय कर देती है। चप्पल बाहर क्यों उतारते हैं? मंदिर में प्रवेश नंगे पैर ही करना पड़ता है। ये नियम दुनिया के हर हिंदू मंदिर में है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि मंदिर की फर्श का निर्माण पुराने समय से अब तक इस प्रकार किया जाता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तरंगों का सबसे बड़ा स्रोत होती हैं। जब इन पर नंगे पैर चला जाता है तो अधिकतम ऊर्जा पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती है। परिक्रमा करने के पीछे वैज्ञानिक कारण। हर मुख्य मंदिर में दर्शन करने और पूजा करने के बाद परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा 8 से 9 बार करनी होती है। जब मंदिर में परिक्रमा की जाती है तो सारी सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाती है और मन को शांति मिलती है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।